आपको ऐसा करें, आप पीसी को एक दफ़ा रिस्टार्ट करें, फिर ये आपका इशू रिजॉल्व होगा। और डेस्कटॉप से कोशिश करें, अगर आपके पास चीज़ें हैं तो उनको वहाँ से डिलीट करें। सर ठीक है, मैं ऐसे करती ओके, मेरे पास भी ये जो है अपडेट हो चुका हुआ है, और होप आप लोगों के पास भी जो है ये अपडेट हो चुका होगा। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं कि इन्होंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। और मिस रुबीना बुहारी का आइडिया, आप इसको रिस्टार्ट करें और होपफुली आपके पास रिस्टार्ट करने के बाद ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, कल की क्लास में हमने कुछ बेसिक टेक्निक सीखी थी चैट जीपीटी को यूज़ करके डाटा एनालिसिस करने की। आज हम अगेन उसी पे प्रैक्टिस करेंगे, और ग्रुप में बहुत से लोगों ने जो है बहुत से अपने डाटे के ऊपर भी एनालिसिस करके शेयर किया। इट्स मीन के आप लोग अब एनालिसिस करना स्टार्ट हो गए हैं, अब आपको आइडिया आ गया है कि आपने अपने डाटे को किस तरह एनालाइज करना है। अच्छा, आज मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूँ। आपने मुझे एक प्लॉट बना के बताना है फाइकस के डाटा के ऊपर। मैं आपको फाइकस का डाटा सेट इम्पोर्ट कर कर लें, तमाम पार्टिसिपेंट फाइकस इम्पोर्ट कर लें, और इम्पोर्ट करने के बाद ये मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ कि आपने एक प्लॉट क्रिएट करना है, सर्कुलर बार ग्राफ। सर्कुलर बार ग्राफ ये प्लॉट आपने क्रिएट करना है फाइकस के डाटे के ऊपर, ठीक है? और अगर आप इसको गूगल पे सर्च करें, कॉपी करें, इसको गूगल पे ले आएँ और यहाँ पे सर्च करें सर्कुलर बार प्लॉट, सर्कुलर बार ग्राफ विजुअलाइजेशन इन आर, और इसको सर्च करें और इमेजेस में आए। ये देखिए, आपके पास सर्कुलर बार ग्राफ जो है वो शो हो रहा है। तो ये डिफरेंट तरह के जो सर्कुलर बार ग्राफ शो हो रहे हैं, तो आप में आपने जो है ना वो इनमें से कोई एक बार ग्राफ जो है वो ड्रा करने की कोशिश करनी है। इनके कोडिंग भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप कोडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट चैट जीपीटी से जनरेट भी करवा सकते हैं। वहाँ पार्टिसिपेंट काइंडली बताइएगा कि टास्क क्लियर है, समझ आ गई है कि आपने क्या प्लॉट ड्रा करना है। फाइकस का जो डाटा है आपने उसको इस फॉर्म में ड्रा करना है, ठीक है? ये फॉर्म में भी आप ड्रा कर सकते हैं, ये देखें। होप कि आप लोगों को टास्क क्लियर होगा। तो ये देखें, ये वाला प्लॉट आपने क्रिएट करना है। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये वाला प्लॉट जो है वो क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर करें। सेम वही प्रोसीजर आप यूज़ करें। STR, ये देखें, इसका स्क्रिप्ट भी लिखा हुआ है, यहाँ से भी आप आइडिया ले सकते हैं। और इसका नाम है बेसिक रेडार चार्ट, ठीक है? ये वाला इसका नाम है रेडार चार्ट। तो आप चैट जीपीटी को दें कि आई नीड रेडार चार्ट ऑन दिस डाटा, ये वाला, ठीक है? तो आपके पास रेडार चार्ट जो है वो शो हो जाएगा। मसलन मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, रेडार चार्ट को, स्क्रीन नंबर सॉरी आर पे आए, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे पहले स्टेप आपने एसटीआर करना है। ये दोबारा मैं रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि कोई पार्टिसिपेंट अगर जो है वो नहीं पिक कर पा रहा या उसको नहीं समझ आई तो वो दोबारा वो देख ले स्टेप्स। पहला स्टेप हमेशा आपने एसटीआर करना है। एसटीआर के बाद आपने यहाँ पे फाइल का नाम लिखना है फाइकस, और इसको रन करना है। ये देखें, ठीक है, मेरे पास एसटीआर आ गया है। अब मैं इसे कहता हूँ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आगे हम चैट जीपीटी पे, और चैट जीपीटी पे आपने यहाँ पे एक लाइन टाइप करनी है। ये रेडार चार्ट, ठीक है? और यहाँ पे जस्ट ये एक लाइन लिखें, आई नीड रेडार चार्ट इन आर।
ऑन गिवन डेटा सेट। अब देखिए वो कह रहे हैं रडार चार्ट के लिए आपको एक पैकेज रिक्वायर्ड है जिसका नाम है FMSB। तो मैंने ये पैकेज पहले इंस्टॉल करना है, आप भी जो है वो काइंडली जल्दी से ये डन करें और ग्रुप में शेयर करें। मेरे पास ये जनरेट हो रहा है, फिर मैं ये इसको रन करके देखता हूँ। तब तक आप प्रैक्टिस करें, 5 मिनट है आपके पास, 5 मिनट में ये ड्रा करें, फिर मैं ये आपको कोड रन करके दिखाता हूँ। ओके इम्तियाज़ साहब, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा, मैं चेक करता हूँ क्या किया आपने। मैंने लॉक किया है, स्क्रीन शेयर कीजिएगा। और अगर मिस रुबीना बख्शी ने, सॉरी मिस रुबीना बुखारी, अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो काइंडली मुझे कंफर्म कीजिएगा कि आपके पास अब आर रन हो रहा है। ठीक है, आपने रिडार प्लॉट क्रिएट कर लिया है, लेकिन आप उसकी स्पेसिफिक टाइप पे हैं। आपको यहाँ पे रिडार टाइप दी है, ठीक है। अब यहाँ पे आएँ, दोबारा चैट जीपीटी पे आएँ, यहाँ पे आप बोले आई नीड सर्कुलर रिडार प्लॉट, सेम उसी ने वही कोड आपको दिया है। यहाँ पे राइट टाइप करें आई नीड सर्कुलर रिडार प्लॉट। ये दोबारा रन करें इसको, दोबारा न्यू कोड आपके पास जनरेट हुआ है। सर मैं आपका माइक ओपन कर देता हूँ। जी सर। न्यू कोड जनरेट हुआ है आपके पास, सेम आ रिजल्ट नहीं आया? सर, अभी मैंने उसको डेटा दिया नहीं था नहीं न्यू नहीं उसके उसको, मैंने। नहीं नहीं उसको डाटा नहीं देना आपने। चैट जीपीटी ओपन ठीक करें, सर। चैट जीपीटी ओपन करें, यहाँ पे जस्ट एक लाइन टाइप करें नीचे। अच्छा नीचे, ठीक है हाँ, सर। इसको बोलें थैंक्स, पहले बोलें इसको थैंक्स, बोलें इसको थैंक्स, नो आई वांट टू क्रिएट रेडार बट सर्कुलर सर्कुलर रेडार प्लॉट। अगर हम इसकी डिटेल देख लेते हैं यहाँ से वेबसाइट से मज़ीद, तो हमें आइडिया हो जाएगा। सर्कुलर बॉर्डर सर्कुलर, ये बॉक्स। सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट के साथ है, ठीक है। ये देखें, ये लिखा हुआ है फ्रॉम कास्टियन टू सर्कुलर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो अब ये अगर उसको दें आई नीड सर्कुलर या पोलर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट रिडार चार्ट या रिडार प्लॉट, ठीक है, तो फिर वो आपको इस तरह का प्लॉट जो है वो क्रिएट करके देगा। हो गया आपके पास कोड जनरेट? हो रहे सर। ये हो गया कंप्लीट आपके पास? ऊपर देखें कि नहीं, अभी हो रहा है, ठीक है, वेट कर हो लें, रहे सर। वेट करें। बाकी किसी पार्टिसिपेंट के साथ कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे? कोड रन हो चुका है।
जस्ट तीन पार्टिसिपेंट ने ये प्लॉट ड्रा किया है, लेकिन अभी ये बेतरतीब सा और हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं बना। हाँ ये कुछ बेहतर है ये वाला, ठीक है। ये एरर फील्ड इन है, लाइब्रेरी सर, जी जी रिडार, ये आपको, हाँ ये देयर इज पैकेज नो है। पैकेज कॉल इंस्टॉल हाँ करना। ये कह रहे हैं कि आपके पास पैकेज नहीं है, तो ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। जी रडार, राइट सर? जी, वो देख लें, स्पेलिंग देख लें सामने लिखे हुए हैं, जी अगर जी आर सुजेशंस आई ई आपके पास टी ए, नहीं सर वही तो नहीं आ। ठीक है, आप इंस्टॉल करें। वो कह रहा है इज़ नॉट अवेलेबल फॉर दिस वर्जन ऑफ आर रिडार। जी, रिडार वाला पैकेज यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। जी इसके स्पेलिंग या तो गलत हैं, सर, या आपको चैट जीपीटी ने ये गलत राइट करके दिए हैं इसके स्पेलिंग। आप दोबारा इसको कॉपी करें, या एरर को कॉपी करें, एरर को। वो कह रहा है कि पैकेज नहीं है, ठीक है। चैट जीपीटी को बताएं ठीक कि है। वो कह रहा है कि आपके पास पैकेज नहीं है, इस पैकेज अवेलेबल ही नहीं है, ये वाला, ये वार्निंग वाला, वार्निंग इंस्टॉल, हाँ ये वाला है। सारा कॉपी कर लें एंड तक। ठीक है सर। ओके। ये दो कोड इसने जनरेट करके दिए हैं, पहले देख जी लें जी नीचे वाला एफ कौन एम सा है, एस ऊपर बी वाला दिया कौन सर सा। उसने, लाइब्रेरी ठीक, एफ वो एम एस ठीक है, वो बी। आपने लाइब्रेरी जी किया हुआ, जी आप दूसरा कोड कॉपी करें, दूसरा कोड कॉपी करें और उसको पेस्ट करें। ओके, आप इस पे प्रैक्टिस करें। अभी मैं आपको एक जी और जी छोटा सा टास्क देता हूँ, ये भी आपने परेशान नहीं होना कि कुछ लोगों के पास जनरेट हो रहा है, कुछ के पास नहीं हो रहा, ये सिर्फ अभी आपकी प्रैक्टिस है, ठीक है। अभी हम टू द पॉइंट आएंगे कि अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस तरह का प्लॉट शो हो रहा है उस तरह का प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको एक और टास्क दे रहा हूँ, अभी हम दोबारा आ जाते हैं बेसिक प्लॉट के ऊपर, ग्राफ के ऊपर आते हैं। इससे पहले हमने जो ग्राफ क्रिएट किए थे ना, वो वन वेरिएबल के दरमियान थे, यानी सेपल लेंथ और पेटल विड्थ के दरमियान, पेटल विड्थ और सेपल विड्थ के दरमियान। लेकिन रियल डाटे में हमें इस तरह का प्लॉट रिक्वायर्ड नहीं होता। हमारे पास तो ऐसे होता है कि स्पीशीज़ एक साइड पे हों और तमाम वेरिएबल्स एक साइड पे हों, और तमाम वेरिएबल्स का एक ही ग्राफ बने। एक एक वेरिएबल का हम अलग अलग ग्राफ तो नहीं बनाते ना, हम चाहते हैं कि तमाम वेरिएबल्स का एक ही ग्राफ बने ताकि हम उनको इजीली कंपेयर कर सकें। तो अभी हम मैं आपको एक और टास्क देने लगा हूँ। आपने बार ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये टास्क नोट कर लें। बार प्लॉट, बार प्लॉट ये क्रिएट करना है आपने, और इसकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है ना, ये फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स, बार प्लॉट फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। और एक्स एक्सिस पे क्या आपने रखना है, स्पीशीज, और वाई एक्सिस पे ऑल अदर वेरिएबल्स।
ये आपकी रिक्वायरमेंट है, इस रिक्वायरमेंट के मुताबिक अब आपने बार ग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, तो अभी जो प्रीवियस मैंने आपको बताया था उसको छोड़ दें, क्योंकि उसका अब टाइम ख़त्म हो गया। हम जस्ट कोड को जो है वो जनरेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कोड हम किस तरह जनरेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये आपको टास्क दिया है, जल्दी से काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये टास्क कंप्लीट करें, 5 मिनट का टाइम है आपके पास इसके लिए। काइंडली तमाम पार्टिसिपेंट ये प्लॉट बनाएं और इसको ग्रुप में शेयर करें। मैं जस्ट आपके आज प्लॉट का इंतज़ार कर रहा हूँ, आज आपकी जस्ट प्रैक्टिस है कि ये प्लॉट आपने जो है वो किस तरह क्रिएट करने हैं। ओके, ये भी आपने ना ये पार्ट जो है पाई प्लॉट, हाँ ये सईद अहमद साहब का जो प्लॉट है ये बिल्कुल ठीक शो हो रहा है, ये वाला इस तरह का प्लॉट आपने ड्रा करना है। ठीक है, यानी मल्टीपल वेरिएबल के लिए एक साइड पे जो है वो एक्स एक्सिस पे स्पीशीज शो हो रही हैं और दूसरी साइड पे जो है वो वेरिएबल्स की लिस्ट शो हो रही है। मैं टास्क रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, आपका टास्क ये है कि आपने बार प्लॉट बनाना है फॉर मल्टीपल वेरिएबल्स। कुछ लोगों ने पाई प्लॉट क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, तो पाई प्लॉट नहीं क्रिएट करना आपने। जो है वो बार ग्राफ क्रिएट करना है फॉर मल्टीपल वेरिएबल, एक्स एक्सिस पे आपको स्पीशीज रिक्वायर्ड हैं और वाई एक्सिस पे आपको जो है वो अदर वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं। ऐसा ही सब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं आपका माइक अनम्यूट कर देता हूँ। जी सर, साहब बताइएगा डिटेल से क्या पूछना चाह रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सर, सलाम। ये स्क्रीन वन पे ना मेरा इशू ये आ रहा है, पहले वो मतलब एक लाइन में ही पूरा कोड आ जाता था, लेकिन अब ना उससे आगे जो है ना वो मूव करना पड़ रहा है, पूरी लाइन काफ़ी लंबी हो गई है। आप ऐसा करें कि आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। पहले ये जी सर, प्लॉट तमाम पार्टिसिपेंट ने क्रिएट करके ग्रुप में शेयर करना है, क्योंकि ये आप प्रैक्टिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये देखें, अब मैं आपको आगे चीज़ें ना भी सिखाऊँ ना, तो आप इसकी बेस के ऊपर बहुत सारे एनालिसिस खुद से कर सकते हैं। अब आपके जहन में जो एनालिसिस आता है ना, वो आप जस्ट चैट जीपीटी को बताएं मैंने ये एनालिसिस करना है, वो आपको वो एनालिसिस करके दे देगा। ठीक है। अच्छा सर, एक तो आप स्क्रीन को फुल कीजिएगा। स्क्रीन फुल है आपकी? ओके। हाँ, अब आप इसको ना तमाम स्क्रीन का साइज़ इक्वल कीजिएगा, तमाम स्क्रीन का साइज़ इक्वल कीजिएगा।
सही है, मैं सब काइंडली माइक अनम्यूट कीजिएगा। सर तमाम स्क्रीन का साइज इक्वल कीजिएगा। आई थिंक आवाज़ नहीं जा रही उनको। ओके मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपकी स्क्रीन जो है वो कोड मसलन मैं ये कोड रन करता हूँ, ये कोड मेरे पास एक जनरेट हुआ है, मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। ये मुझे कह रहा है जी इसको इंस्टॉल करें। अच्छा, अगर कोड आपके पास लेंथी हो गया तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं। ये मैंने आपको आई थिंक स्टार्ट में बताया था, दो पॉइंट से आप कोड को ब्रेक कर सकते हैं, एक कॉमा से और एक जो है वो कॉपी और पेस्ट, और इसको रन करते हैं। ये देखिए मेरे पास भी तकरीबन जो है वो सिमिलर डार्क प्लॉट जो है वो क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया कि सर वी व्हाट कैन वी डू इफ़ वी हैव डाटा कंटेनिंग टू कांस्टेंट। हाँ, अगर आपके पास दो फैक्टर्स हों, मसलन यहाँ पे हमारे पास एक ही फैक्टर है स्पीशीज, आपके पास दूसरा फैक्टर हो ट्रीटमेंट, तो फिर आपने क्या करना? फिर आपने अपने डाटे को पहले फैक्टर में कन्वर्ट करना है और उस पर टू वे अनोवा अप्लाई करना है, या अगर आप ग्राफ बनाना चाह रहे हैं तो विदाउट अनोवा भी आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। अगर आपके पास अभी डाटा है तो मैं आपको उसकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ उसके मुताबिक, अदरवाइज़ फिर जब हम उस टॉपिक पे आएंगे तो वहाँ पे भी मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दूँगा। अभी जस्ट हम कोड को रन करना सीख रहे हैं। ओके, बार ग्राफ तकरीबन काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो क्रिएट कर लिया हमें और ग्रुप में शेयर भी कर दिया हमें। ठीक हो गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो है वो ग्राफ नहीं शेयर किए हुए। अगर किसी के पास इशू आ रहा है तो अभी टाइम है, काइंडली आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके आपको चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि आज की जो हमारी प्रैक्टिस है उसमें जस्ट मैंने आपको टास्क देने थे और उस पर प्रैक्टिस करवानी थी, और आपको अगर जो है वो कोड रन नहीं करना आ रहा, बार बार एरर्स आ रहे हैं, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। आज हमारा कोई एनालिसिस नहीं था, कोई जो है वो स्पेसिफिक क्लास नहीं थी, जस्ट आपको उसी क्लास के ऊपर जो है वो एआई टूल्स के ऊपर आपको प्रैक्टिस करवाना है कि आज हम एआई टूल्स को यूज़ करके कोड सक्सेसफुली जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके जी मैडम, स्क्रीन शेयर कर सकते हैं आप। कोई पार्टिसिपेंट जिसके पास कोड रन नहीं हो रहा, बार बार कोशिश करने के बाद एरर आ रहा है, तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, मैं आपको गाइड करता हूँ। और एक और चीज़, क्योंकि अभी ये देखें आपका आज जो सेकेंड डे है कोड को जनरेट करना, तो जो एक्सपर्ट हैं या जो इंटरमीडिएट लेवल में हैं वो 5-6 मंथ से साल से इस पे वर्क कर रहे हैं कोड को जनरेट करने पे, तो उनकी प्रैक्टिस और आपकी प्रैक्टिस, आपकी जस्ट 2 दिन की प्रैक्टिस है। जब आप अपने आप को देखें आज से 1 मंथ बाद, 2 मंथ बाद, 3 मंथ बाद, आर के ऊपर आप कितने एक्सपर्ट हो चुके होंगे अगर आप इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे, एनालिसिस करते रहे। ओके जी मैडम, आप ऐसा करें, ये कोड ये तो आपने बहुत से राइट किया है, माइक ओपन कीजिएगा। मैडम ये तो कोड आपने पहले चैट जीपीटी से मैंने जनरेट करवा? चैट पे ये हुआ है जनरेटर। हाँ, तो आप ऊपर यहाँ पे एक बटन है ना, सारा कोड कॉपी करें ना, आपने आधा कोड कॉपी किया आधा छोड़ दिया,
आप इसको स्क्रीन इसको स्क्रॉल अप करें थोड़ा सा, ये लिखा हुआ ऊपर कॉपी कोड, हाँ यहाँ से सारा कॉपी करें। अब आर पे आएँ, यहाँ पे सेलेक्ट ए करके ना इसको डिलीट कर दें, पहले वाले को सेलेक्ट ए करें, सेलेक्ट ए करें ना, कंट्रोल ए सॉरी, हाँ ठीक है, और इसको हाँ अभी पेस्ट कर दें। हाँ अब लाइब्रेरी करें पहले, लाइन नंबर टू, लाइन नंबर थ्री रन करें, लाइन नंबर एट। हाँ वो ये देखिए नीचे एक एरर पड़े हैं, एरर आ रहा है आपके पास ना, ये एरर आपने लाजमी पढ़ना है, इसी को आपने सीखना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है इसमें, एरर को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है। ये लास्ट लाइन पढ़ें, ये कह रहा है जी देर इज़ नो पैकेज कॉल्ड टाइडर, इसका क्या मतलब है बता सकते हैं आप? जी सर, पैकेज इंस्टॉल नहीं है वो कह रहा है आपके पास ये टाइटल। पैकेज ही नहीं है, ठीक है, यानी आप किसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं लैब में, मसलन आप पीसीआर के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, तो आप जब लैब में गए हैं तो लैब वाला कहता है जी आपके जो है वो लैब में पीसीआर ही नहीं है, ठीक है, जी तो सर, पहले आपको ये इंस्ट्रूमेंट इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आप जो है वो इस पे वर्क कर पाएंगे। यहाँ पे आपने सर्च नहीं करना, जब देखें उसने वहाँ पे आर ने आपको कह दिया ना कि पैकेज नहीं है, तो फिर हमें तसल्ली कर लेनी चाहिए, यकीन आ जाना चाहिए कि अब इसमें पैकेज नहीं है, अब हमने इसको डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। यहाँ से हाँ यहाँ से फिर हमने वो स्किप सर्च करने वाला इग्नोर कर देना, ठीक है, रन करें इसको। वो कह रहा जी टाइडर पैकेज, दोबारा आए आर पे, यहाँ पे टाइप करें, नहीं यहाँ पे टाइप करें अगेन, सजेशन नहीं आई, टी वाई टाइप करें, एक वेट कीजिएगा, टी वाई लिखें, वेट कर लें, टी आई लिखें, सुजेशन आनी चाहिए यहाँ पे, इसको सर सजेशन भी नहीं आ रही, वो आप कैंसिल करें, यहाँ पे कुछ कह रहा है कि यहाँ पे आप ये आपने अपडेट कर ला कर लिया होगा आर स्टूडियो, जी, मैंने कर दी। यहाँ पे एक अपडेट का बटन है, ये देखें स्क्रीन नंबर 4 पे, हाँ इस पे क्लिक करें, बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली अगर आपके पास बार प्लॉट क्रिएट हो चुके हैं मल्टीपल वेरिएबल के लिए, तो अब आप लोग डिफरेंट टाइप्स के जो प्लॉट्स हैं अब बल्कि आप 3D प्लॉट क्रिएट करें, ठीक है, 3D प्लॉट क्रिएट करने की कोशिश करें। एक मिनट वेट कीजिएगा, एक मिनट वेट कीजिए, तो ये नहीं आ रहा। एक मिनट मैडम, दोबारा टाइप करें, इंटरनेट ठीक है आपके पास? जी इंटरनेट ठीक है, पहले भी ऐसी होता। इंस्टॉल करें,
आर क्रैन स्टूडियो वीडियो। या कह रहा जी आपके पास आर टूल्स नहीं है? ऊपर थोड़ा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा इसको बोर्ड इधर जी, थोड़ा सा अप करें, 1 मिनट वेट करें, ये लाइन मुझे रीड करने दीजिएगा, थोड़ा नीचे लास्ट लाइन, लास्ट लाइन जो है इसको थोड़ा सा अप कीजिएगा। ठीक है, आर टूल यहाँ पे आप सर्च करें इंस्टॉल पे, आर टूल्स इंस्टॉल पे हैं, इंस्टॉल पे ये भी आपके पास सजेशन नहीं आ रही, वेट की। चलिए नहीं आ रहा, ठीक है आप एक दफ़ा ना ऐसा करें, एक वेट मिनट, एक मिनट आप ना वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करें, इसको छोड़ दें। हाँ यहाँ पे ना बैच नंबर 35 की वर्किंग डायरेक्टरी ओपन करें, ये PID वर्क की आपने बनाई हुई है, ओपन कर लें, सेव कर लें, 1 मिनट, 1 मिनट ठहरें। ठीक है डोंट सेव कर दें इसको। बाकी पार्टिसिपेंट काइंडली आप इस पे अगेन आज जो है वो तमाम पार्टिसिपेंट कार डायग्राम, हीट मैप, PCA, बल्कि आप लोग ने ऐसा करें PCA भी रहने दें, आप के मीन क्लस्टरिंग क्विज, के मीन क्लस्टरिंग प्लॉट क्रिएट करें, तमाम पार्टिसिपेंट के मीन क्लस्टरिंग प्लॉट क्रिएट करें जी। आप सर्च करें, ये सर्च नहीं करना वहाँ पे, इंस्टॉल पे हैं। टाइडर लिखें, TID YR। सजेशन फिर भी नहीं है। आपके पास जी जी प्लाटू इंस्टॉल हो गया था? जी, मैं दोबारा कर लेता ठीक है ये इंस्टॉल्ड है आपके हूँ। पास, ये लाइब्रेरी लेकिन को नहीं, वो तो इंस्टॉल्ड है मैंने देख रही, ये स्क्रीन नंबर 4 पे शो हो रहा है। आप ना ये पैकेजेस के नीचे आए, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट का बटन, इस पर क्लिक करें। तमाम पार्टिसिपेंट एक दफ़ा ना ये पैकेजेस के नीचे आके ना चेक करें अगर आपके पास अपडेट आई हुई है। ये कह रहा है ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। ओके ठीक है, तो आप यहाँ पे हो लिखें सकता इन है। इंस्टॉल डॉट पैकेज, जहाँ पे ये लिखा हुआ है लाइन नंबर 7 पे, इंस्टॉल डॉट पैकेजेस, ये आगे लिखा हुआ है जी जी प्लाटू, इस पर रिप्लेस करके टाइटल लिखें यहाँ पे। अब रन करें इसको, वो कह रहा है आपका एड्रेस जो है ना वो स्पेसिफाई नहीं है। आपने ये मैंने आर तो आर स्टूडियो को जो है ना वो आर को इंस्टॉल कहाँ पे किया था? सी में किया था जी सर, सी में है, जब आपने अपडेट किया इसको। सी में ही की है।
ये इशू आना नहीं चाहिए। ठीक है, इसको आप ओपन ना करें, आप मैं चेक कर रही हूँ, आर को एक दफ़ा रिस्टार्ट करके देख लें। सी में है। ठीक है, आर को एक दफ़ा रिस्टार्ट कीजिएगा, मे बी आपका इशू रिजॉल्व हो जाए, चलिए ठीक अदरवाइज़ है। आपकी फिर जो है ये सेटिंग जो है इसकी ये चेंज करनी पड़ेगी जहाँ पे आपने इसको सेव किया हुआ है सी ड्राइव में। बहरहाल एक दफ़ा आपको इसको रिस्टार्ट करें, अगर इशू नहीं रिजॉल्व होता तो फिर हम इसको जो है वो एक और मेथड है उसके थ्रू ट्राई करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसको क्लोज करें आर को और दोबारा ओपन करें। और इसके साथ आर भी ओपन कीजिएगा। ओके अब्दुल मनान साहब, मैं आपको 5 मिनट देता हूँ, जस्ट ये क्लियर कर लेने दीजिएगा मुझे। आपने ट्राई की है सर इस पे जो प्लॉट मैंने अभी आपको बताया था रेडियल प्लॉट ड्रा करने की? आर ये जो हमने जी पहले खोला ये वाला आर भी ओपन कीजिएगा। इसको आज अपडेट नहीं किया था। ठीक है, अभी आप आर स्टूडियो ओपन करें, इसको क्लोज नहीं करना आपने, आर स्टूडियो ओपन करें, हो रहा है अभी? यही है ये। चलें फिर आप आर ही ओपन करें, इसी में लिखें कोड, आर में लिखें, सर ये हो ये हो गया। गया। ठीक है, अब ये जो है ना ये लाइन नंबर 6, इसको कॉपी करें, लाइन नंबर 6 को इसको कॉपी करके आर पे ले आए। यहाँ पे इसको रन करें, पेस्ट कर दें और एंटर का बटन प्रेस करें। यहाँ से आप कोई एक कंट्री सेलेक्ट कर लें, अगर आप चाइना में तो चाइना कर लें, अगर पाकिस्तान में तो फिर भी कोई पाकिस्तान के नज़दीक तरीन कंट्री सेलेक्ट कर लें, पाकिस्तान नहीं शो होता इसमें। सेम तो ये इसका क्या मतलब है कि ये अनस्पेसिफाइड। एड्रेस नहीं फाइंड कर रहा ना आपका, यानी यहाँ पे इसने डाउनलोड करना है ना वो एड्रेस, इसको आपने फोल्डर कोई डिलीट तो नहीं किया यहाँ से? नहीं आप सर, इस एरर सी को ड्राइव ना से तो मैंने कुछ भी ड्रॉ आप नहीं किया। इस एरर को कॉपी करें तमाम को और चैट जीपीटी पे पेस्ट करें, इस सारे एरर को कॉपी करें और चैट जीपीटी पे पेस्ट करें। ठीक है, कॉपी कर लें, यहाँ पे पेस्ट करें इसको नीचे। ये सिर्फ वर्जन का इशू के दे रहा है कि वर्जन चेंज सिस्टम। चलिए एक और ट्राई करके देख लें, आप गूगल ओपन कीजिएगा, यहाँ पे लिखें टाइडर, टाइडर पैकेज डाउनलोड, माजी साहब आप दोबारा इस पर ट्राई करें, जो एरर्स आ रहे हैं वो दोबारा आप कॉपी करके चैट जीपीटी को प्रोवाइड करें,
और उसको रीड करने की कोशिश करें कि वो एरर्स क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं। मैडम आप ये ऊपर टाइटल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें, ये आर वाला साइन के साथ, ये वाला। ये इसने पहला दिया है टाइडीवर्स, आप ये तीनों कोड जो है ना कॉपी कर लें यहाँ से जी, तीनों कोड कॉपी कर लें। ठीक है, इसको ले आए आर पे, यहाँ पे इनको रन करें कहीं। ठीक है, पहले टाइडीवर्स चेक करें। स्टार्ट वेट कीजिएगा, जब तक ये रेड डॉट शो हो रहा है आपने वेट करना। यही ऑप्शन दिया, नेक्स्ट इंस्टॉल करें। नहीं हो रहा, नेक्स्ट इंस्टॉल करें। देर इज नो पैकेज कॉल्ड पैक। ओके, दोबारा वेबसाइट पे हैं। यानी दोबारा वेबसाइट पे आए और वहाँ पे देखें एक डाउनलोड का बटन होगा। इसी वेबसाइट पे जी इसी वेबसाइट पे, ये जहाँ पे आपने एक एक मिनट एक मिनट, ठीक है इसको स्क्रॉल डाउन करें। नहीं है, स्क्रॉल अप करें। वापस जाएं, यहाँ से वापस चले जाएं, मेन बाय मेन वेबसाइट पे हैं। स्क्रॉल अप करें इसको, पहली वेबसाइट क्या है? हाँ ये वाले, पहली वेबसाइट पे हैं, पहली वेबसाइट पे, इस पर क्लिक करें। यहाँ पे एक मिनट, सोर्स होगा, सोर्स के नेम से, ये पैकेज सोर्स, पैकेज सोर्स ये नीचे है। स्क्रॉल डाउन करें थोड़ा सा, हाँ ये वाला पैकेज सोर्सेस, टाइडर 1.3.1, ये इस पर क्लिक करें। जी इस पर क्लिक करें और इसको देखें कहाँ पे सेव हुआ है, इसको कॉपी करके डेस्कटॉप पे ले आए। इसको कॉपी कर रहे हो डेस्कटॉप पे ले। ये काइंडली बाकी पार्टिसिपेंट भी देख लें, अगर आपके पास कोई पैकेज इशू कर रहा है तो उसके पॉसिबल वे, उसको किस तरह इंस्टॉल बटन के अलावा और किस तरह आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। जो तीन चार मेथड जो भी आपने देखे हैं सारे आप ट्राई कर सकते हैं उसके ऊपर। ठीक है, आपके पास ये डेस्कटॉप पे आ गया, अब आर पे आए, आर स्टूडियो पे आए, आर स्टूडियो पे आए, यहाँ पे आप क्लिक करें पैकेजेस पे, इंस्टॉल पे, इंस्टॉल पे। ठीक है, अब यहाँ पे आए, पहले पहले कॉलम में रेपोजिटरी क्रैन, यहाँ पे क्लिक करें, पैकेज आर्काइव। ठीक है, डेस्कटॉप पे आए, यहाँ पे आपने पैकेज सेव किया है, ये टाइडर, इसको सेलेक्ट करें। ओके इंस्टॉल, ठीक
ठीक है, वो कह रहा है जी आपको डिपेंडेंसीज भी चाहिए, PURRRR और टाइडी सिलेक्ट टाइडर। पहले आप पर इंस्टॉल करें, दोबारा इंस्टॉल पे आएं, इंस्टॉल बटन पे आएं, PURRR यहाँ पे टाइप करें, पहले वो सर्च कर लें, उसको ले आएं क्रैन पे। ठीक है, यहाँ पे लिखें PURRR। सजेशन नहीं आई। जी जी इंस्टॉल करें। आपके पास सजेशंस नहीं आ रही, इसका मतलब है यहाँ पे कोई और इशू है आपका। ठीक है, चलें फिर मुझे ना इस पर थोड़ा सा टाइम दें, मैं इसको सर्च करके फिर आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा है पॉसिबल। और आप भी यहाँ पे सर्च करें कि ये लिब अनस्पेसिफाइड ये आ रहा है आपके पास एरर बार बार, यू स्क्रॉल अप कीजिएगा इसको, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये वाला लास्ट लाइन, एज लिब इज अनस्पेसिफाइड। जी, इसको देखें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक्चुअली कि आपने जो फोल्डर स्पेसिफाई किया हुआ है ना, वो वहाँ पे नहीं है। ठीक है, वो उस पर मिसमैच हो रहा है जहाँ पे ये इसने डाउनलोड होना है। ये वाला फोल्डर, नहीं, ये जो ये मैंने जहाँ पे ना आपने आर को इंस्टॉल किया हुआ है जिस फोल्डर के अंदर ना, या तो आपने वहाँ से इसको चेंज किया है, पर कोई इशू हुआ हुआ है आपके इसके साथ ना, तो ये आप देखें। और मुझे ये मैसेज जो है ना, ये वाला रेड वाला, ये वार्निंग वाला, ये जहाँ तक अनस्पेसिफाइड है, ये मुझे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास के बाद जो है वो इसको चेक करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके सर। बैच 37 के मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन कर लिया हुआ है, अभी आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, जस्ट 3 मिनट आप वेट कर लें, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अब्दुल मनान साहब काइंडली आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा। जस्ट सर 3 मिनट, आप ये देख लें, अदरवाइज 3 मिनट आपके पास मज़ीद टाइम है, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। जी अब्दुल मनान साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। स्कैटर प्लॉट नहीं बन रहा, कोई इशू नहीं है, आप कोई और प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। जस्ट आपने आज प्रैक्टिस कर रही हैं कि आप कोड जनरेट कर रहे हैं, नहीं हो रहा उसको छोड़ दें, किसी और पे ट्राई करें। ठीक है, अभी हम आएंगे स्पेसिफिक, नेक्स्ट और क्लासेज हैं जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी का प्लॉट, जिस तरह अभी मैंने आपको कहा कि आप जो है वो बार ग्राफ क्रिएट करें, तो बहुत से लोगों ने क्रिएट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने आपको एक सर्कुलर प्लॉट दिखाया, उसमें से वो सर्कुलर प्लॉट आपसे नहीं क्रिएट हुआ, लेकिन आपने कोड जनरेट कर लिया। ठीक है, तो अभी हम कोड को जनरेट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम ये सीखेंगे कि हम अपनी मर्ज़ी का प्लॉट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, यानी जो मैंने आपको प्लॉट दिखाया था सेम टू सेम वो प्लॉट आप अपने डाटा के ऊपर किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। जी अब्दुल मनान साहब काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। सर आपका आई थिंक माइक नहीं है, मैंने सर लो किया हुआ है। आपका माइक यहाँ पे शो नहीं हो रहा मेरे पास। सर आवाज आ रही है? जी सर आप आ रही है। ठीक, अच्छा अपना डाटा शो कीजिएगा जल्दी से। सर ये है मेरा डाटा, इस पे मैंने ये प्लॉट बना लिया जो आपने भी कहा है, ठीक है और मोस्टली जो सिंपल है मैं बना लेता हूँ ठीक है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। सर ये आपने ये एक बताई मिनट डाटा हुई मुझे है, दिखाइए, डाटा मुझे दिखाइएगा एक मिनट। ये सारे सर वेरिएबल ये दिखाइए, कांस्टेंट है ये, और ये बाकी ईसी से टीडीएस पीएच ठीक हो गया। कैल्शियम आप ये इसका सब एसटीआर लें, कांस्टेंट। एसटीआर लें इसका। सर एसटीआर जी स्क्रीन नंबर, ये न्यू अनटाइटल पे आए ना, नई स्क्रीन पे, स्क्रिप्ट फाइल पे आए।
यस सर, ठीक एसटीआर करें इसका। हाँ एसटीआर एसटीआर ये सेलेक्ट करें। ठीक जी सर। है, इसमें आप टाइप करें अपने डाटे का नाम, स्टैट्स अंडरस्कोर डाटा। ठीक है, इसको रन करें। इसको कॉपी करें। हाँ सर ये थर्ड स्क्रीन से जी, एसटीआर को कॉपी करें ना सारे। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आपको मुख्तसर बता देता हूँ आपने करना क्या है। इसको कॉपी करके ना आपने चैट जीपीटी पे पेस्ट करना है। सर। ठीक है, फिर आपने वो वेबसाइट पे चले जाना है जो भी मैंने आपको वेबसाइट बताई थी ना, बल्कि वो दिखाई थी रेडार प्लॉट वाली, यस सर। वहाँ पे उस जो है ना वो ग्राफ का कोड होगा, ठीक वो भी कोड उठा के आपने चैट जीपीटी को दे देना है। हो और चैट जीपीटी से कहना है कि मैं जो है ना ये सिमिलर एनालिसिस, आई नीड सिमिलर एनालिसिस ऑन दिस डाटा सेट। यानी उसको बताना है कि मैं उस स्क्रिप्ट के मुताबिक इस डाटा के ऊपर एनालिसिस करना चाह रहा हूँ। ठीक है वो सर। आपको जो है ना वो वेबसाइट वाला कोड वो एडिट करके आपको दे देगा आपके डाटा के मुताबिक। आप उसको रन करेंगे तो आपका जो पास जो रिक्वायर्ड प्लॉट होगा वो बनेगा। और दूसरा, उसके ऊपर जाएं, वेबसाइट पे देखें उन्होंने डाटा सेट किस तरह अरेंज किया हुआ है। ठीक यस है, वहाँ पे उनका जो डाटा है ना, पहले डाटे को व्यू करें कि वेबसाइट वाले ने उस डाटे को किस तरह अरेंज किया हुआ है। ठीक ठीक है, फिर उसको आप कॉपी करके यहाँ पे दोनों को पेस्ट कर दें, डाटे को भी और स्क्रिप्ट को भी। फिर ये आपको रीराइट करके देगा, जिससे आपका जो है ना वो 80-90% आप जो है वो अपने टास्क तक पहुँच जाएंगे। सर। ओके, बहुत शुक्रिया, बहुत सर शुक्रिया एक तुम। छोटी सी बात, जी जी सर, सर आपने गिटहब बताया था हमें हमारे जी जी बैच में सर, बिल्कुल। ये है GNU Octave, ठीक है आपको नजर आ रहा है सर? जी, नज़र आ रहा सर इसको अगर हम R पे लेके आना चाहते हैं, इसका पैकेज वगैरह, इसका कोड वगैरह, तो वो जो आप बात कर रहे हैं ना वीडियो में या हमारे लेक्चर में, जी तो जी वो तेजी में ये बात समझ नहीं है, GNU Octave ये कैसे इधर से लेके जाना है, इसका कोड या इस पैकेज यहाँ को पे इसका कैसे कोड इंस्टॉल देखें करना। ना, कॉपी कर देखें नीचे, इसका कोड कहाँ पे है एनालिसिस का। यहाँ पे तो कहीं भी कोड नहीं है इसका। सर आप वापस आए ना गूगल पे, ये मेरे पास, मैं आपको मिनट आपको शो करवाता हूँ। ये देखें ना, ये मेरे पास ये शो हो रहा है इसका, मैं ये इसका कोड भी लिखा हुआ पर। ठीक है, ये देखें, मैं से इसको कॉपी करता हूँ। ये देखें, सारा कोड कॉपी करना है और चैट जीपीटी को प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आई नीड सिमिलर एनालिसिस, आई नीड सिमिलर एनालिसिस ऑन आयरिस डेटा। अब देखिए, फाइकस के बजाय मैंने इसको आयरिस का डाटा दे दिया ना, तो ये सारे स्टेप वो जो वेबसाइट वाले हैं वो उसी को जो है वो रीराइट कर रहा है, लेकिन डेटा जो है वो जो मैंने इसको कहा है उसको यूज़ कर रहा है। ठीक ठीक है, ये एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, टाइम काफ़ी हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, जस्ट एक मिनट बस।
अगर इसने कोई एरर ना दे दिया यहाँ पे। वो कह रहा है जिसके लिए फंक्शन नहीं है टाइडर इसके लिए यूज़ होता है। अब ये देखिए उसने मुझे मिलता जुलता प्लॉट जो है ना वो 100% ना सही लेकिन 80% तकरीबन वो उसने मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्रिएट करके दे दिए। ठीक है, अब यस मज़ीद इसके ऊपर हम जब फार्मेटिंग करेंगे इसको और मज़ीद रिक्वायरमेंट बताएंगे, इसका कलर ऐसा होना चाहिए, ये वाली स्पीशीज इधर होनी चाहिए, ये चीज़ें इधर होनी चाहिए, फिर वो आपको प्लाट को मॉडिफाई करता जाएगा। ठीक है, तो इस पर ट्राई करें, ना हुआ तो फिर ठीक इसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक ओके है सर, सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। बैच 35 काइंडली, अब आप लोगों ने जो आपका आज का टास्क है, आपने स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग का प्लाट क्रिएट करना है, SEM प्लाट। मैं यहाँ पे आपका टास्क लिख देता हूँ, ये आपने क्रिएट करना है और कल शाम तक आपने ग्रुप में शेयर करना है। SEM स्ट्रक्चरल इक्वेशनल मॉडलिंग का प्लॉट आपने क्रिएट करना है और इसको ग्रुप में शेयर कर देना। ओके ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सिर्फ बैच 35 के लिए है और 37 क्योंकि अभी इन्होंने ज्वाइन किया है तो अभी इनकी क्लास जो है वो स्टार्ट हो रही है। मैं जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ।